स्वागत है दोस्तों, पिक्सकार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी जीके और जीएस का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, आज हम लोग का 56 क्लास है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग का क्लास सुबह 11 बजे से चलता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस का हम लोग डिस्कशन के साथ हम लोग करते हैं। और करेंट अफेयर का जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारे चैनल पे आ जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं अभी तक आपने करेंट अफेयर को, तो जा करके क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी लोग आ जाइए, जितने स्टूडेंट हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में सभी लोग घर पर रह करके अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिएगा। सनी सिंह जी गुड मॉर्निंग। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए, ताकि हम लोग क्लास को 11 बजे अपने टाइमिंग के साथ शुरू कर सकें। और कुछ ही समय रह गया 11 बजने में। चलिएगा। स्वीटी जी गुड मॉर्निंग। बन्ना जी गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाइए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल के साथ प्रतिदिन की तरह। चलिएगा। रिकाइंडली जी गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिएगा। तो हम लोग 11 बजने वाला है, हम लोग का क्लास 11 बजे से शुरू होता है। चलिएगा। तो 11 बज चुका है, अब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिएगा। बंटी जी गुड मॉर्निंग। रेखा जी गुड मॉर्निंग। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात जो कारखाना है वो किस यानी कौन सा विदेशी के सहयोग से चल रहा है, यानी कौन सा देश का सहयोग इसमें लगा हुआ है, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र में। बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। बताइएगा आप लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा। विकास जी का सही आंसर है, अजीत जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, मधु गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, अरुण जी का सही है, सनी सिंह जी का सही है, ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, शिवानी जी गुड मॉर्निंग, रेखा जी का सही आंसर है, जयप्रभा का सही है। चलिएगा। सहजानंद जी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिएगा। तो इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा। स्वीटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, मधु जी का सही है, बन्ना जी का भी सही आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी बोकारो जो इस्पात संयंत्र है, इसका जो स्थापना हुआ था 1968 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, स्थापना किस वर्ष हुआ, 1968 में। यह जो स्थापना हुआ था, यह पहले बिहार के अंतर्गत ही झारखंड आता था। तो आपको पता है उस समय बिहार ही कहा जाता था, लेकिन अब 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड अलग हो गया। अब इसको यानी बोकारो इस्पात संयंत्र अब कहाँ है, तो झारखंड में है। इसका जो सहयोग से चल रहा है वो कौन सा देश के सहयोग से चल रहा है, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से चल रहा है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी किस देश के, तो सोवियत संघ। स्थापना अगर पूछी जाएगा तो 1968 में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। बताइएगा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिएगा, बताइएगा। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, विकास जी का सही आंसर है, और बताइएगा, रितानी जी का सही आंसर है। चलिएगा, सनी सिंह जी का सही है, जयप्रभा का सही है, रेखा जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, अरुण जी का सही है, बंदना जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, शिवानी सिंह जी का सही है, सहजानंद जी का भी सही है, मधु जी का सही है, प्रवीण जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, अजीत जी का भी सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 371 जो संबंधित है वो किस लिए संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यों का जो संबंधित विशिष्ट जो प्रावधान दिया हुआ है वो अनुच्छेद 371 में दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि, और इसके अंतर्गत जो आने वाले जो राज्य है, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि जो राज्य है, इसमें जो दिया गया है विशिष्ट प्रावधान, इसको दिया गया
गया है। यानी पहले तो अनुच्छेद 370 जो था ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, लेकिन बाकी जो राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 371 में ही दिया गया था। इस बात को आपको पता होगा। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, बताइएगा कि कब, कौन सा कारण था यानी कि इसमें घायल हुए थे, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा विकास जी का सही आंसर है, रीताइनी जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, रेखा जी का सही है, दिया प्रभा का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, अरुण जी का सही है, ज्योति जी का सही है, वंदना जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, शिवानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिएगा प्रवीण जी का सही है। चलिएगा तो सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज में इनका मौत हुआ था। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो किस वर्ष आया था, तो आपको पता होगा 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। पहले इसमें लाला लाजपत राय ये सब जो विरोध कर रहे थे, तो इसमें क्या यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था, वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। साइमन कमीशन जब यानी हिंदी में जब लिख करके लोग जब दिए तो समझ यानी अंग्रेज लोग समझा नहीं तब क्या लिख करके भेजे थे, यानी साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। इंग्लिश में जब लिख करके भेजे तब उन लोगों को समझ में आया कि ये वापस जाने के लिए कह रहा है, यानी इसको बिल को हटाने के लिए कह रहा है, तब वहां पे विरोध करने वाले लोगों पे लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज के द्वारा इनका क्या हुआ तो मृत्यु हुआ था लाला लाजपत राय का। और यह मृत्यु जो हुआ था वो कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ा गया, ध्यान। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बताइएगा कहाँ हुआ था, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा चलिएगा विकास जी का सही आंसर है, तानवीर जी का सही है, जयप्रभा का सही है, पिंटू जी का सही है, रेखा जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, जयप्रभा का सही है, अरुण जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, रिया जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, वंदना जी का सही है, मुकेश जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा सबका आंसर आना चाहिए। प्रवीण जी का सही है, शुभम शंकर जी का सही है, मुकेश जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी यानी राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कब हुआ था तो ध्यान दीजिएगा 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। इसके लिए मैंने बताया था चारों बौद्ध संगति का मैंने ट्रिक्स पहले अपलोड कर दिया है, तो जाकर के चैनल पर एक बार देख सकते हैं। लेकिन प्रथम का बात आया तो प्रथम का बता देता हूँ। एक राजा का चार पुत्र था, यानी प्रथम जो था वो क्या था, तो प्रथम जो था राजा का महाशत्रु था। यानी प्रथम जो पुत्र था वो क्या था, तो राजा का महाशत्रु था। राजा का क्या था, तो महाशत्रु था, ध्यान दीजिएगा, महाशत्रु था। अब इसमें से पूरा निकल कर गया, प्रथम से क्या हो जाएगा तो प्रथम हो जाएगा, उसके बाद राजा से क्या हुआ तो राजगीर हुआ, राजा से क्या हुआ तो राजगीर हुआ, यानी हुआ था कहाँ में, तो राजगीर में। उसके बाद महा से क्या हो गया तो महाकश्यप, महाकश्यप के किसके अध्यक्षता में हुआ, महाकश्यप के अध्यक्षता में। शासन काल जो हुआ, शत्रु से क्या हुआ तो अजात शत्रु, यानी प्रथम जो था राजा का क्या था तो महाशत्रु था। और प्रथम से क्या हुआ, प्रथम हो गया, राजा से क्या हुआ राजगीर हो गया। उसके बाद महा से क्या हुआ तो आप लोग को पता है महाकश्यप हुआ, यानी अध्यक्षता महाकश्यप किया। शत्रु से क्या हुआ था, अजात शत्रु, यानी उसके शासनकाल में हुआ था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थे, बताइएगा। अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद था, बताइएगा किसके शासनकाल में था, बताइएगा फटाफट। चलिएगा चलिएगा रीतांगी जी का सही आंसर है, रिया जी का सही है, जयप्रभा का सही है, मुकेश जी का सही है, अरुण जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, नीतू जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, वंदना जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, रेखा जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, मुकेश जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है। चलिएगा अमर राठौर जी का भी सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी शिवाजी, यानी शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसको क्या कहा जाता था, तो अष्ट प्रधान उसको कहा जाता था। अष्ट प्रधान में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो कौन सा था, तो पेशवा था, ध्यान रखिएगा। पेशवा जो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था वो कौन सा था, तो पेशवा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी को औरंगजेब जो कहा करता था वो किस नाम से पुकारा करता था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको क्या कहा जाता था, पहाड़ी चूहा कह करके, और राजा की उपाधि भी दिया था, राजा की उपाधि दिया था, लेकिन कहता था क्या, तो पहाड़ी चूहा कह करके बुलाता था, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पद था पेशवा, पेशवा का जो प्रधानमंत्री आपको पता होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काल के स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी, बताइएगा कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें जो स्त्री जो था वो पुरुषों के बराबरी में था, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। छठा नंबर क्वेश्चन का, छठा क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा आप लोग।
चलिएगा बराबरी का दर्जा दिया गया था, बताइएगा किस में। चलिएगा रेखा जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन डी यानी जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो था स्त्रियों के बराबर में पुरुषों के दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी भारतीय जो इतिहास था इसका जो प्रारंभिक जो काल था वो कौन सा था, तो वैदिक काल से ही पुरुषों और महिलाओं के बीच में कुछ बातों को छोड़कर बराबरी हिस्सा दिया गया था। यानी कुछ ऐसा जो बात था उसमें कुछ छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में लेकिन इसका गिरावट भी हुआ, यानी इसका भेदभाव भी जो हुआ था वह वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ था, कुछ समय तक चला था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाद में जा करके इसको समाप्त भी किया गया। यानी जैसे शिक्षा से उनको वंचित किया गया था, सभी चीज में उनको बराबरी नहीं दिया गया था, जैसे शिक्षा से क्या दिया गया था तो वंचित किया हुआ था, बाहर निकलने यानी पर्दा पर था उन लोगों में था, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के अनुसार अगर दिया जाएगा इस तरीके का अगर क्वेश्चन, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में पनाह एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, बताइएगा किसका अध्यक्षता किसने किया था। चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सातवां नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, चलिएगा सोनेलाल जी का सही आंसर है, और बताइएगा। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, चलिएगा स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा सहजानंद जी का सही, विकास जी का सही है, रेखा जी का भी सही आंसर है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए पूना पैक्ट जो हुआ था कब, तो 1932 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और यानी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो निचली जातियों को अधिक मतलब उसमें जो सीट था इलेक्शन सीट देने के लिए हुआ था। इसका जो अध्यक्ष यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था, इस अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। ऐसा परिस्थिति इसलिए आया था कि जब 1932 था तो भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि हम लोग को अलग देश एक मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अलग एक देश होना चाहिए। तब गांधी जी बोले कि अगर सभी जाति अगर छोटे छोटे या बड़े बड़े जो जाति है सभी जाति अगर अलग अलग एक मांगने लगेगा कि हमको अलग अलग एक देश रह जाए तो देश तो होगा नहीं, वो बिल्कुल भारत भी खंडित हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ा में, और कोई भी देश बाहर से हमला कर करके उसको क्या कर लेगा, तो हथिया लेगा। इस वजह से गांधी जी ने बोले कि मैं आपको सीट ही कुछ बढ़ा देता हूं, और सीट में से जब बढ़ाने के बाद सहमति दोनों में बन गई, उसके बाद यही पूना पैक्ट था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1932 में हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी, बताइएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए कुंदन गिरी जी का सही है, सुनील जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, रिया जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, नीतू जी का सही है, विकास जी का सही है, अरुण जी का सही है, अजीत जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रेखा जी का सही है, वंदना जी का सही है, अमन राठौर जी का सही है। चलिएगा तो सभी का आंसर सही आ रहा है, शुभम जी का सही आंसर है, पिंटू जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तर्ज पे हुआ था। आप सभी को पता है कि जो भारत का जो विभाजन भी हुआ था वो किस योजना के तर्ज पे हुआ था, तो यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तर्ज पे ही हुआ था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना जो प्रस्तुत किया गया था, विभाजन की योजना जो बनी थी वो 3 जून 1947 को किया गया था। और यह जो बात कहा गया था यानी कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि क्या किया जाएगा, तो इसको भारत को 1948 तक आज़ाद किया जाएगा। 1948 का लक्ष्य रख करके अंग्रेज यहाँ से क्या किए थे, तो प्रस्ताव पारित किए थे। चलिएगा भारत आज़ाद हुआ था कब, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ बताइएगा कि क्या है, बताइएगा गांधी जी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बताइएगा कि अहिंसा का अर्थ बताइएगा कि क्या है, बताइएगा। चलिएगा ज्योति जी का सही है, अरुण जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, नीतू जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, जयप्रभा का सही है, राम पुकार जी का सही है, विकास जी का सही है, रितानी जी का सही है, शिवानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, रिया जी का सही है, अजीत जी का सही है, शुभम जी का सही है, सोनेला जी का सही है, रेखा जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, वंदना जी का सही है, ओम प्रकाश जी का सही है, प्रवीण जी का सही है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी लोगों का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी गांधी जी, आप लोग को पता होगा कि गांधी जी सत्य और हिंसा पर चलते थे। यानी गांधी जी क्या सत्य का प्रयोग करते थे,
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और गांधी जी जो भारत को आज़ाद कराने का जो मार्ग जो अपनाए थे वो क्या थे, तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चला करते थे। चलिए का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, बताइएगा कौन सा अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, बता दीजिएगा आप लोग सभी लोग। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। चलिएगा तो आंसर सही नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी मान लीजिएगा, दसवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, वो 1937 में हुआ था और 1935 एक्ट के तहत हुआ था, ध्यान दीजिएगा 1935 एक्ट के तहत 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन कोई नहीं था, ध्यान दीजिएगा 1935 एक्ट रहता तब होता, यानी 1935 एक्ट के तहत 1937 में हुआ था। और आप लोगों को पता है कि 1935 एक्ट में और भी जो चेंजिंग था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हजीरा उर्वरक कारखाना, बताइएगा कि किस पर आधारित है, बताइएगा हजीरा जो उर्वरक जो कारखाना है वो किस पर आधारित है, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा सहजा निर्वरक जहानाबाद में पानी पड़ा नहीं, जहानाबाद में अभी बारिश अभी नहीं हो रही है। चलिएगा आंसर की तरफ बढ़िए सभी लोग, आप सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा रीतांगली जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, अजीत जी का सही है, जया प्रभा का सही है, अरुण जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, बंटी जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। कबीर सिंह जी का सही है, ज्योति जी का सही है, पिंटू जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, अमर राठौर जी का भी सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ऑप्शन बी लगाए हैं सभी का आंसर सही है, यानी हजीरा जो उर्वरक कारखाना है वो किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा, यानी किसके द्वारा, यह एकमात्र प्रतिष्ठान है तो इफ्को के द्वारा, और इफ्को का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है, जो इसका यानी सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात का एक कालेल है और कांडला भी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कि इसके जो होता है यानी किस में होता है, तो प्राकृतिक गैस इसमें होता है। हजीरा जो उर्वरक कारखाना है वो किस पर आधारित है, तो ये प्राकृतिक गैस पर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा बताइएगा कि कौन है, बताइएगा भारतीय दर्शन का प्रारंभिक जो शाखा थी बताइएगा कि कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। चलिएगा बंटी जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, कुंदन जी का सही है, शिवानी जी का सही है, बन्ना जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, रिया जी का सही है, ज्योति जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, जयाप्रभा का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। राम पुकार जी का सही है, अरुण जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन ए लगाएं सभी का आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा, यानी सांख्य दर्शन में मिलता है, यानी भारतीय दर्शन का जो प्रारंभिक शाखा है वो कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। यानी सांख्य दर्शन का आप लोग को पता है कि इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसने किया, कपिल मुनि। उसके बाद एक मीमांस दर्शन है, तो मीमांस दर्शन का जैमिनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद वैश्विक दर्शन है, तो वैश्विक दर्शन का किसने किया था, तो कनाद किया था। और आप लोग को पता है कि चवार्क दर्शन का चवार्क ही थे। तो इस बात को कभी कभी संस्थापक भी पूछता है, इस वजह से आप लोग संस्थापक भी याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, बताइएगा दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, सभी लोग बताइएगा। चलिएगा विकास जी का सही है, रीतांगली जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, रिया जी का सही है, पिंटू जी का सही है, विकास जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रेखा जी का सही है, अजीत जी का सही है, ओम प्रकाश जी का सही है, पिंटू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, बन्ना जी का सही है, अजीत जी का सही है, नीतू जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, मधु जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शुभम शंकर जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध पुरुष भी कभी कभी देता है, ध्यान रखिएगा वयोवृद्ध पुरुष के भी नाम से इनको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को, या ग्रैंड ओल्ड मैन भी उन्हीं को कहा जाता है, यानी ओल्ड मतलब क्या होता है, तो वृद्ध ही होता है, तो ध्यान रखिएगा वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी। भारत में आय का जो सबसे पहले आकलन किया था वो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट।
चलिएगा प्रथम सत्याग्रही बताइएगा किसे चुना गया था। चलिएगा स्वीटी जी का सही, रितानी जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, विकास जी का सही है, जयाप्रभा का सही है। चलिएगा राम पुकार जी का सही है, पिंटू जी का सही है, नीतू जी का सही है, शिवानी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, बन्ना जी का सही है, रेखा जी का सही है, रिया जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे सत्याग्रही जो चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे, तो विनोबा भावे। और महात्मा गांधी यानी कांग्रेस के जो आग्रह किए थे यानी 1940 में आग्रह किया गया था उसके द्वारा व्यक्तिगत जो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे दूसरे सत्याग्रही। आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आराम मत फरमाइएगा, एक घंटे का आप लोग का टाइम इसी वजह से, एक घंटे आप लोग के ही परेशानी नहीं होने के कारण क्लास को एक घंटे घंटा किया गया है। तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा, समझे। ये नहीं कि क्वेश्चन आया आंसर आया तो आराम फरमा रहे हैं, आराम मत फरमाइएगा, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, समझे, तभी तो जल्दी जल्दी होगा। एक घंटा में यानी समझिए कि 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो एक मिनट करीब करीब पढ़ रहा है। तो आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए नहीं कि सो जाइएगा देखते देखते। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव की जो स्वीकृति हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बताइएगा कौन कर रहे थे। बताइएगा कांग्रेस के अधिवेशन को 1947 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, बताइएगा कौन कर रहे थे। चलिएगा कुंदन गिरी जी का सही, रितानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, रिया जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, ज्योति जी का सही है, बन्ना जी का सही है, विकास जी का सही है। चलिएगा राम पुकार जी का सही है, मधु जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रेखा जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना, जयाप्रभा का सही है। चलिएगा मंटू जी का सही है, अरुण जी का सही है, नीतू जी का सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था, जिस समय अधिवेशन की अध्यक्षता यानी 1947 में जो विभाजन की यानी भारत विभाजन के जो समय चल रहा था उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया जा रहा था जेबी कृपलानी के द्वारा किया जा रहा था अध्यक्षता। और यह अधिवेशन कहाँ में था, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है। बताइएगा बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, प्रॉपर बताइएगा सभी लोग। चलिएगा रितानी जी का सही है, विकास जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा रितानी जी का सही है, मधु जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, बन्ना जी का सही है, मंटू जी का सही है, रेखा जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, नीतू जी का सही है, शुभम जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, विकास जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा बिहार में कौन से प्राचीन जो गौरवमयी जो साम्राज्य स्थल रहा, तो ध्यान दीजिएगा मगध। आप लोग सुने भी होंगे मगध बहुत फेमस है, तो मगध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आप चेंज किया गया 7 बजे से लेकर के क्वेश्चन वीडियो 7 से 8 के बीच में अपलोड किया जाता है, तो उसमें आप देखिएगा सिलेबस सेमिया 10 क्वेश्चन जो रहता है करंट रहता है, 5 क्वेश्चन पिछले 6 महीने का रहता है, उसमें एक जोड़ा होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जाकर के जवाब दीजिएगा, मैं सभी को रिप्लाई करता हूं। और कम्युनिटी में प्रतिदिन क्वेश्चन जाता है, तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन को भी आप लोग डील करने का। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन बताइएगा कि क्या है, बताइएगा डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन होता है बताइएगा कि क्या है, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के आ गया है स्क्रीन पर, प्रॉपर बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा 17 नंबर का बताइएगा, विकास जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा जयाप्रभा का सही है, बन्ना जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, तो स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, अरुण जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि डीजल की बाष्प और वायु, जो डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन होता है वो क्या होता है, तो डीजल की जो बाष्प होता है और वायु मिश्रण करता है, तो इस वजह से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग पता है कि डीजल इंजन क्या है, तो दहन में पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि जो डीजल इंजन होता है उसमें कार्बोरेटर नहीं होता, कार्बोरेटर का जो कार्य है आप लोग को पता होगा
कि पेट्रोल को हवा से मिलाने का जो कार्य है वो किसका है, तो कार्बोरेटर का होता है। लेकिन डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है, इसमें डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, तो डीजल का जो वाष्प होता है और वायु क्या करता है, तो दोनों मिश्रण करता है, इससे क्या होता है तो एनर्जी उत्पन्न होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, बताइएगा किसने कहा था इस बात को, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी का। चलिएगा स्वाति प्रियदर्शी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ज्योति जी का सही है, जयप्रभा का सही है, पिंटू जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, वंदना जी का सही है, नीतू जी का सही है, अरुण जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। कबीर सिंह जी का सही है, शिवानी जी का सही है, सहजानंद जी का सही है। चलिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था, यानी जब जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जब अड़े हुए थे, यानी भारत और पाकिस्तान की जो मांग के लेकर के अड़े हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अड़े हुए थे दोनों अपने अपने बात पे। जिन्ना कह रहे थे कि मैं अलग एक देश लेकर रहूँगा, ये अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे। इस वजह से उस समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये संविधान सभा में थे, समझे, तो संविधान सभा में थे, इस वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था कि यानी नेहरू क्या है तो एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना क्या है तो राजनीतिज्ञ है, यानी क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं अलग देश को मांग को लेकर के। तो इस वजह से जो कहा गया था यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था जिन्ना को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बताइएगा कौन सा जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को आ गया है तो फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा चलिए स्वाति जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ओम प्रकाश जी का भी सही है, रीतानी जी का सही आंसर है, राम पुकार जी का सही है, विकास जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, मधु जी का सही है, अभिषेक जी का सही है, पिंटू जी का सही है, जयप्रभा का सही है, शिवानी जी का सही है, अरुण जी का सही है, शुभम जी का सही है, ज्योति जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, जयप्रभा, रिया जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर, रेखा जी का सही आंसर आ रहा है, नीतू जी का सही है, मंटू जी का सही है, वंदना जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है। चलिएगा मुकेश जी का भी सही आंसर है, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है, यानी विटामिन ए का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी क्या होता है तो ऊपर से हम लोग विटामिन को क्या करते हैं तो ऊपर से हम लोग लेते हैं खाने पीने में, देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो रतौंधी होता है। जब हम यानी जो हमारा जो भोजन होता है उसमें पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, हरा सब्जी ये सब हम लोग नहीं खाते हैं, तब क्या होता है विटामिन ए की मानव शरीर में कमी होता है, इसके वजह से क्या होता है तो रतौंधी हो जाता है या आँख से हमें कम दिखाई देने लगता है, इस वजह से हमें गॉगल्स की आवश्यकता पड़ता है, चश्मा की आवश्यकता पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए की नहीं होता है निर्माण। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है, बताइएगा बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा आप लोग सभी लोग। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा विकास जी का सही आंसर है और बताइएगा सहजानंद जी का सही है। चलिए सभी लोग, अमर राठौर जी का सही है, शिवानी जी का सही है, मंटू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, वंदना जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, ज्योति जी का सही है, अमर राठौर जी का भी सही आंसर है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। तो चलिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धारवाड़, ध्यान रखिएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा तो धारवाड़ होगा, यानी भारत में लौह अयस्क धारवाड़ एवं कुटप्पा ये जो युगनी है वहाँ से यानी प्रमुख अयस्क है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से किस शैल में पाया जाता है तो आग्नेय शैल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो अयस्क है लोहा का जो अयस्क है वो कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब लोहे का क्या है तो प्रमुख अयस्क है। इसमें भारत की जो सबसे अधिक जो धारवाड़ में जो पाया जाता है वो कौन सा है तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट अयस्क है लोहा का जाता है, भारत में सबसे अधिक मैग्नेटाइट लोहा ही पाया जाता है जो 72% पाया जाता है। अगर परसेंटेज के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 72% पाया जाता है वो कौन सा है तो मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। उसके बाद हेमेटाइट पाया जाता है, तो हेमेटाइट जो पाया जाता है ये भी अगर देखा जाए तो 50-60% के आसपास पूरे अगर भारत में देखा जाए तो ये भी पाया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल के बिहार पर विजय प्राप्त किया था, यानी मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर किया था, बताइएगा। चलिएगा विकास जी का सही, रितानी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शिवानी जी का सही है, मधु जी का सही है, पिंटू जी का सही है, अरुण जी का सही है, वंदना जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, नीतू जी का सही है,
जय प्रभा का सही है, अमर राठौर जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, मंटू जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रिया जी का सही है, दीपक जी का सही है, शुभम जी का सही है, चलिएगा रंजन जी का सही है, अजीत जी का सही है, सहजानंद जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, यानी बख्तियार खिलजी। आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गौरी का एक क्या था, तो गुलाम था, यानी इसका जो सेनापति था वह कौन था, तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को आप लोगों को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ही किया था, आप सभी को पता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार एवं बंगाल पे जो विजय प्राप्त किया था वो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ही किया था। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मोहम्मद जो भारत पर आक्रमण किया था तो कब कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1175 में सर्वप्रथम जो किया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब गुजरात में किया था पहला जो किया था, और दूसरा जो किया था 1178 में किया था, एक मुल्तान में किया था, मुल्तान में, दूसरा कहाँ किया था, तो पाटन में किया था, जो पाटन गुजरात है आप लोगों को पता है 1178 और 1175। उसके बाद यह महत्वपूर्ण लड़ाई भी लड़ा है, जो कौन कौन सा, यानी तराइन का युद्ध 1191 में और 1192 में, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1191 और 92 में जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा था वो कब लड़ा था, 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध जो लड़ा था वो 1192 में लड़ा था, और दोनों पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा था, और दूसरा युद्ध जीत गया था, प्रथम पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइएगा। चलिएगा चलिएगा विकास जी का सही आंसर है, कुंदन गिरी जी का सही है, रिया जी का सही है, रेखा जी का सही है, रितानी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अरुण जी का सही है, विकास जी का सही है, अभिषेक जी का सही है, नीतू जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, मंटू जी का सही है, पिंटू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, वंदना जी का सही है, अजीत जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा योजना आयोग को आपको पता है कि योजना आयोग जो स्थापित हुआ था यह क्या था, तो गैर संवैधानिक निकाय था, बाकी ये सब तीनों है तो क्या संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय जो जिसका संविधान में वर्णन हो, संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में वर्णन नहीं हो वो गैर संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान दीजिएगा योजना आयोग कैसा यानी यह क्या है, तो यह परामर्शदर्शी है, यानी सरकार को सलाह देने वाली संस्था थी, इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को बताइएगा कि अभी सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ का नाम आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, सीईओ आप लोग बताइएगा, सीईओ आप लोग बता दीजिएगा फटाफट। चलिएगा सीईओ आप लोग बताइएगा, उपाध्यक्ष राजीव कुमार मैंने बता दिया है, चलिएगा सीईओ बताइएगा सभी लोग। चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है, रितानी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, रेखा जी का सही है, नवीन जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, रिया जी का सही है, बिल्कुल सही है, अभिषेक जी का भी सही है, जयप्रभा का सही है, अमिताभ कांत बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी का आंसर बहुत अच्छा रहा है अमिताभ कांत। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा फटाफट बताइएगा, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा सभी लोग आप लोग अलर्ट रहिए एकदम, कि एकदम 2-5 सेकंड के अंदर एकदम आंसर दे देना है। चलिएगा रितानी जी का सही आंसर है, और बताइएगा ज्योति जी का सही है, जयप्रभा का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, रंजन जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए विकास जी का भी सही आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन ए जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है, यानी बाकी ये सब तीनों जो समितियां जो संबंधित है ये बिल्कुल पंचायती राज से संबंधित है। अशोक राम मेहता, बलवंत राम मेहता का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, अशोक राम मेहता जो संबंधित है ये, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, यानी बलवंत राम मेहता समिति स्थापना जो हुआ था 1957 में हुआ था। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका जो 1986 में हुआ है। LM सिंघवी वित्तीय से है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए इसको प्रारंभ किया गया, जो कमेटी था इसको प्रारंभ किया गया था। और एक कमेटी जो था यानी पंचायती राज व्यवस्था से एक और कमेटी था, ध्यान रखिएगा जीवी के राव कमेटी 1985 में इसका स्थापना हुआ, तो आगे आ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने बता दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को पता है कि राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा विकास जी का सही है, जयप्रभा का सही है, पिंटू जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मुकेश जी का सही है, वंदना जी का सही है, रिया जी का सही है, नीतू जी का सही है, रेखा जी का सही है, मुकेश जी का सही है, ज्योति जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, अजीत जी का सही है, नीतू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए।
अरुण जी का भी सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यह क्या तो संवैधानिक है, संवैधानिक है, उसके बाद सांविधिक अधिकार है और क्या तो मौलिक अधिकार है। यह ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय परमादेश जारी करता है, यहाँ पे क्या बात आ रहा है, उच्च न्यायालय रिट जारी करने की बात आई है, तो उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रिट कितना प्रकार के जारी होता है, तो पांच प्रकार का रिट जारी होता है। रिट कब जारी होता है, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तब रिट जारी होता है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। संविधान के भाग कितना में है, तो भाग 3 में है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, बताइएगा कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट के रूप में जाना जाता है, इसको बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, चलिए रिताइनी जी का सही आंसर है, ज्योति जी का सही है, विकास जी का सही है, पिंटू जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शिवानी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, रेखा जी का सही है, वंदना जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, मुकेश जी का सही है, रिया जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, शिवानी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मुकेश जी का सही है, अरुण जी का सही है, वंदना जी का सही है, नीतू जी का सही है, सहजानंद जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी होगा यूकेलिप्टस। ध्यान रखिएगा मैंने 3-4 क्लास पहले जब यूकेलिप्टस की बात आई थी तो बताया था कि जो सबसे यानी वृक्षों का जो पर्यावरणीय संकट इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो बहुत अधिक जल को ऑब्जर्व करता है। ध्यान रखिएगा जल को बहुत अधिक ऑब्जर्व करता है, इस वजह से इसको माना जाता है। यानी यह क्या करता है, तो वृक्ष में यानी वृक्ष क्या होता है, तो मिट्टी में मिट्टी में जो ह्यूमस होता है इसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है जब इसको जल नहीं मिलता, तो ये इस वजह से भी खतरनाक है। और सबसे अधिक जल सोखने की जो कैपेसिटी है वो किस में, तो यूकेलिप्टस में ही है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अंतकवादी पौधा भी इसको माना जाता है, कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, बताइएगा पोलियो के टीका का खोज किसने किया है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बता दीजिएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए रितानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिए सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा जयप्रभा का सही है, राम पुकार जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए नीलम कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिएगा अभिषेक जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, नीतू जी का सही है। चलिएगा रिया जी का सही है, जयप्रभा का सही है, अमर राठौर जी का सही है, विकास जी का सही है। चलिएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जॉन ई सॉल्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी पोलियो टीका का खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन ई सॉल्क के द्वारा किया गया था। पोलियो टीका का खोज जॉन ई सॉल्क के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, बताइएगा कि जो सामाजिक जो वानिकी है, बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा जो वृक्ष है उसको रोपने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। चलिएगा, चलिए रिताइनी जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी लोगों का, जयप्रभा का सही है, राम पुकार जी का सही है, अजीत जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, विकास जी का सही है, ज्योति जी का सही है, रेखा जी का सही है, नीलम जी का सही है, मुकेश जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, विकास जी का सही आंसर आ रहा है, मुकेश जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर सही आ रहा है, रिया जी का भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी बहुदेशीय वाले, बहुदेशीय वाले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कैसा वृक्ष होना चाहिए, तो बहुदेशीय बहुउद्देशीय, यानी क्या होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अलग अलग जो वृक्ष होना चाहिए वो क्या होता है, तो सामाजिक वानिकी के लिए क्या होता है, तो महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ा गया, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक का संबंध गलत है, बताइएगा कौन सा संबंध गलत है, बताइएगा बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में, बताइएगा कि कौन सा गलत है, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा स्वाति जी का सही है, शुभम जी का सही आंसर है, और बताइएगा ज्योति जी का सही है, रितानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, जयप्रभा का सही है, विकास जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, नीतू जी का सही है, रामपुकार जी का भी सही है, वंदना जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन डी यानी कौन सा गलत है, तो प्रत्येक जो प्राचल होता है उसको समान भार दिया गया, ये क्या है तो गलत है, बाकी जितने भी जो दिया गया है वो क्या है तो सही है, यानी बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में जो गलत है वो कौन सा है, तो यानी प्रत्येक जो प्रचालन होता है उसको जो समान भार, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जो सभी को है वो समान भार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, बाकी यानी इसमें सूचकांक जो है कि यानी कितने प्राचल शामिल है, तो प्राचल में 10 सूचकांक शामिल है और उसके जो सूचकांक जो प्रत्येक आयाम है इसमें समान जो क्या है तो प्रत्येक यानी सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, प्राचल को समान भार नहीं दिया गया, प्रत्येक प्राचल को नहीं बल्कि प्रत्येक आयाम को भार दिया जाता है समान में, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग प्राचल में समान भार नहीं दिया जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आकस्मिक निधि को बताइएगा कि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा आप लोग, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, चलिएगा सभी लोग प्रॉपर बताइएगा आकस्मिक निधि में, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा आप लोग ऑप्शन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग चलिएगा रिया जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संगीता यादव जी का सही है। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप चलिएगा कि आकस्मिक निधि में जो राष्ट्रपति जो व्यय करता है वो कैसे करता है, तो ध्यान रखिएगा यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व करता है, यानी इसका जब धन खर्चा करना होता है तो उसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में जब पैसा जब खर्च कर देता है, जैसे आकस्मिक निधि क्या है, अभी मान लिया जाए कि कोविड-19 के कारण जो धन खर्चा हो रहा है तो किस निधि में से, तो वो आकस्मिक निधि से खर्च हो रहा है, कौन सा निधि से, तो आकस्मिक निधि से धन खर्च हो रहा है, और इसका जो लेखा जोखा होता है वो क्या होता है, तो पहले पैसा निकाल लिया जाता है, बाद में इसको साधारण बहुमत करवाया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अनुमति लिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन क्या संसदीय जो होता है यानी इसके प्रक्रिया ने पैसा खर्च करने के बाद संसद में बताया जाता है कि इतना पैसा खर्च हुआ है, इस बात को सिर्फ बताया जाता है, ऐसा कोई नहीं कि इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, इसमें कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं होता है आकस्मिक निधि में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन सी होना चाहिए, आकस्मिक निधि अगर अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आकस्मिक निधि जो होता है अनुच्छेद 267 में होता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा बंटी जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक्ट बिल्कुल 267। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गौ दुग्ध जो पीलेपन होता है बताइएगा कि उसका कारण क्या होता है, किसके कारण पीला होता है, बताइएगा। चलिएगा विकास जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, बंटी जी का सही है, और बताइएगा ज्योति जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, रितानली जी का सही है, पिंटू जी का सही है, मधु जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, नवीन जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, शिवानी जी का सही है, अजीत जी का सही है, रिया जी का सही है, मुकेश जी का सही है, नीलम जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, अरुण जी का सही है। चलिए सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, मुकेश जी का भी सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का जो दूध होता है वो क्या होता है, तो पीला होता है, लेकिन जो उजला दूध का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण उजला होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, केसीन के कारण जो होता है वो क्या होता है, तो उजला होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दूध में एंजाइम की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दूध में कौन सा एंजाइम, तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूध का अगर पीएच मान का अगर चर्चा कर लिया जाए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 6.4 होता है, कितना होता है, तो 6.4 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना होता है, 6.4 होता है दूध का पीएच मान, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दूध क्या तो अम्लीय है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है, बताइएगा। आज का सबसे हल्का क्वेश्चन सभी लोग प्रॉपर बताइएगा। चलिएगा विकास जी का सही है, संगीता जी का सही है, रितानी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, बंटी जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, शुभम जी का सही आंसर है। चलिएगा संगीता यादव जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, नवीन जी का सही है, रेखा जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है। चलिएगा अजीत जी का सही है, नीलम जी का सही है, अमन राठौर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मुकेश जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है, मदुरै में स्थित है, यानी तमिलनाडु में मदुरै स्थित है, वहीं पर मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो मदुरै में है, आप लोग को पता होना चाहिए।
एक प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुवाहाटी जो असम में पड़ता है वहीं पर स्थित है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम जो वेदशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी वह कहाँ में किया गया था? बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है तो बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा। चलिएगा चलिएगा 32 नंबर का। चलिएगा ज्योति जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, रिया जी का सही है, मधु जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, नवीन जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, नीलम जी का सही है, जयप्रभा का सही है, मुकेश जी का सही है, शुभम जी का सही है, पिंटू जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए बंटी जी का सही आंसर है, पिंटू जी का सही है। चलिए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले जो बनाया गया था वो कहाँ में बनाया गया था? तो जयपुर में बनाया गया था। ऐसे तो और जगह भी बनाया गया, यानी जयपुर में बनाया गया था, उसके बाद उज्जैन में, मथुरा में वेदशाला बनाया गया, बनारस में वेदशाला बनाया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो सबसे पहले जो बनाया गया है वो कहाँ में? तो ध्यान रखिएगा जयपुर में बनाया गया था, जो जंतर मंतर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन बताइएगा। चलिएगा सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ फटाफट बताइएगा। चलिएगा स्वाति जी का सही है, पिंटू जी का सही है, नीतू जी का सही है, मुकेश जी का सही है, ज्योति जी का सही है, नीतू जी का सही है, जयप्रभा का सही है, कुंदन जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, जी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, शुभम जी का सही है, रीताइली जी का सही है, नीलम जी का सही है, नीतू जी का सही है, जयप्रभा का सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ब्लैक होल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया है? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। एस चंद्रशेखर को ब्लैक होल सिद्धांत के लिए 1983 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी भारत का, लेकिन भारत का सबसे पहला व्यक्ति का अगर चर्चा किया जाएगा तो कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान संशोधन कर करके बताइएगा कि किस भाग में समावेश किया गया है, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा आप लोग। चलिएगा रिया जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, रीताइंडी जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, बंटी जी का सही है, शिवानी जी का सही है। चलिएगा मुकेश जी का सही आंसर है, बीना भारती जी का सही है, अजीत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भाग तीन है, बहुत सारा आंसर देना। भाग तीन में मौलिक अधिकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, मौलिक अधिकार बताया था, मौलिक कर्तव्य नहीं बताया था, मौलिक अधिकार बताया था, मौलिक कर्तव्य नहीं भाग तीन में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा, मौलिक कर्तव्य कह रहा है, क्या कह रहा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कह रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कितना में होगा? भाग चार के एक में होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बताया कि जिस हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कितना? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। भाग पूछा जाए तो 4 का 1 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइएगा। यह यानी जो 10th मैट्रिक और इंटर में लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बता दीजिएगा। चलिएगा संगीता जी का सही है, बंटी जी का सही है, पिंटू जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, रितानी जी का सही है, रेखा जी का सही है, राकेश जी का सही है, मधु जी का सही है, रिया जी का सही है, अजीत जी का सही है, मुकेश जी का सही है, नवीन जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, शुभम जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका है? तो एल्युमिनियम का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का जो पृथकीकरण हुआ था वो सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1827 में हुआ था। भारत में जो एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में सर्वप्रथम खोला गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा आप लोग सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दिया कीजिएगा। चलिएगा चलिएगा रेखा जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, नवीन जी का सही है, नवलेश जी का सही है,
संगीता यादव जी का सही है, बंटी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, प्रवीण जी का सही है, रिया जी का सही है, नीतू जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, शुभम जी का सही है, अजीत जी का सही है, चलिए कबीर सिंह जी का सही है, अरुण जी का भी सही है। चलिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पेंसिलिन का जो खोज किया गया था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यानी पेंसिलिन का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था आप सभी को पता होना चाहिए, बता दीजिएगा आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट में बताइए, पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा, बास्प इंजन का खोज किया गया था उसके बाद, यानी टेलीफोन का ग्राहम बेल के द्वारा, उसके बाद टेलीविजन का जे एल वेड के द्वारा किया गया था, पेंसिलिन का बताइएगा कि खोज किसने किया था। पेंसिलिन जो कवक से प्राप्त होता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो सभी लोग फटाफट बताइएगा पेंसिलिन का खोज किसने किया है। चलिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जे एस फ्लेमिंग नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा एकदम हर क्वेश्चन के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह बताइएगा कि कौन सा था, सभी लोग बताइएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह बताइएगा कि कौन सा था। चलिएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बंटी जी का सही है, नवीन जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, रेखा जी का सही है, नवलेश जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, मुकेश जी का सही है, पिंटू जी का सही है, अजीत जी का सही है, जयप्रभा का सही है, चलिएगा रीताइली जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था, 1917 में हुआ था, इसको गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, गांधी जी को बिहार आने के लिए जो आमंत्रित किया था वो किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। किसने किया, राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। और यह चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था किस लिए किया गया था, तो नील आंदोलन भी इसको कहा जाता है, यानी जो तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। नील दर्पण एक पुस्तक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा नील दर्पण पुस्तक के लेखक, आप लोग फटाफट बताइएगा नील दर्पण पुस्तक के लेखक, सभी लोग फटाफट बताइएगा नील दर्पण पुस्तक के लेखक बताइएगा, आप लोग सभी लोग बताइएगा नील दर्पण पुस्तक के लेखक बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए संगीता यादव जी का सही है, रीताइंडी जी का सही है, सभी लोग आप लोग अलर्ट रहिए, क्वेश्चन कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिएगा बीना भारती जी का सही है, स्वाति जी का सही है, रिया जी का सही है, अजीत जी का सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी दीनबंधु मित्र के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, यानी लिखा गया था नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, बताइएगा मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, बताइएगा सभी लोग बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा स्वीटी जी का सही है, मधु जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, शिवानी जी का सही आंसर। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यानी मानव प्रजाति क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह मानव प्रजाति का उभयनिष्ठ नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली जो बहावी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र बताइएगा कि कहाँ था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताइएगा कि कहाँ हुआ करता था, जो 19वीं शताब्दी में हुआ था बहावी आंदोलन बताइएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा। चलिएगा रीताइंडी जी का सही है और बताइएगा, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, चलिएगा सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिए नीतू जी का सही आंसर और बताइएगा, संगीता जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, चलिएगा रिया जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, चलिए विकास जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, अमर राठौर जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर सही आ रहा है, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था, तो पटना में हुआ करता था, ध्यान रखिएगा पटना में, और यह हुआ करता था 1821 के आसपास में, बहावी आंदोलन जो हुआ था इसका जो मुख्य जो केंद्र हुआ करता था वो कहाँ, तो पटना में हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा ये क्वेश्चन आज ही हुआ पोलियो का टीका, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस शहर के नाम पर एक फॉन्ट की व्यवस्था की गई जो विश्व की 23 भाषा में होगा, बताइएगा विश्व का बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसको किस भाषा में एक फॉन्ट की व्यवस्था किया गया है, बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। चलिएगा नीतू जी का सही आंसर है, चलिएगा प्रवीण जी का सही है, जयप्रभा का सही है, वंदना जी का सही है, चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, चलिएगा अजीत जी का सही आंसर है, स्वीटी जी का सही है,
बन्ना जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, यानी कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में एक नए फॉन्ट की व्यवस्था की गई थी जो क्या हुआ था, तो इसमें 23 भाषा में था, ध्यान दीजिएगा। और कंप्यूटर भाषा की बात आई है तो ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर जो भाषा थी यानी प्रथम, यानी कंप्यूटर सीखने की जो प्रथम भाषा है जो कौन सी है, तो बेसिक एक भाषा है। एक फोर्ट्रन बहुत बार पूछा है कि फोर्ट्रन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर भाषा ही है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि कौन सा, तो प्रत्यूष है, प्रत्यूष है भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर अब अमेरिका का हो गया, उसका नाम आप लोग बताइएगा। विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर सभी लोग फटाफट बताइएगा, विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर अभी कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। सभी लोग बताइएगा विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर अभी कौन सा है, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर। पहले चीन का सनवे ताइहू हुआ करता था, लेकिन अब सनवे ताइहू नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, चेंज हो गया, बताइएगा। सनवे ताइहूड नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीन का था सनवे ताइहूड जो चेंज हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अमेरिका का अब हो गया है, आप लोगों को क्लास में बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किए हैं। चलिएगा प्रत्यूष भारत का है, जी जी चलिएगा। पिंटू जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, नवीन जी का सही है, जया प्रभा का सही है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा संगीता यादव जी का सही है, समिट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा समिट है, यानी विश्व का अभी सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो समिट है। यह किस देश का है, तो अमेरिका का है। और अमेरिका का ही एक और सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, कौन सा, तो क्रे, ध्यान रखिएगा क्रे भी अमेरिका का ही सुपर फास्ट कंप्यूटर है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण का सर्वाधिक सुप्रभाव है, बताइएगा। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण का सबसे अधिक सुप्रभावी है, बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए रिताली जी का सही आंसर है, और बताइएगा जया प्रभा का सही है, प्रवीण जी का सही है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा अमर राठौर जी का सही है, वंदना जी का सही है, रेखा जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, राकेश जी का सही आंसर है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, कुंदन गिरी जी का भी सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी हृदय से, ध्यान रखिएगा। यानी विकिरण के माध्यम से जो सबसे अधिक जो प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा होता है, तो हृदय होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस इंजन का खोज किसने किया था, सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट, हम लोग का 6 क्वेश्चन और रह गया, 6 मिनट शेष रह गया, 6 मिनट में 6 क्वेश्चन करना है। चलिएगा फटाफट बताइएगा गैस इंजन का खोज किसने किया है, चलिएगा संगीता जी का सही है, नवीन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। स्वीटी जी का सही है, अरुण जी का सही है, जया प्रभा का सही है, रितानी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, मधु जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, नवलेह जी का सही है, रिया जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी गैस इंजन का जो खोज किया वो किसके द्वारा किया गया, तो जी डैमलर के द्वारा किया गया है। जी डैमलर ने खोज किया था गैस इंजन का, खोज किया था किसने, तो जी डैमलर के द्वारा खोज किया गया था। एंटीसेप्टिक जो लैंप है उसका जो आप लोगों को पता होगा कि डेबी के द्वारा खोज किया गया था एंटीसेप्टिक लैंप का। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चीज चारकोल का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा क्यों, कौन सा चारकोल होता है, बताइएगा सभी लोग बताइएगा। चलिएगा सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा मधु जी का सही आंसर है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, बीना जी का सही है, स्वीटी जी का सही है। चलिएगा सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, विकास जी का सही है, वंदना जी का सही है, दीपक जी का सही है, रितानी जी का सही है, उदय सिंह जी का सही है, बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, रेखा जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी किस चीज़ से, तो आप लोग को पता होगा कि जो जंतु होता है उसका चारकोल से आप लोग पढ़ेंगे कि चीनी बनाने में हड्डी का प्रयोग किया जाता है, यानी जंतु के हड्डी का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से आप लोग को पता है कि पूजा पाठ में चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, मीठा का प्रयोग किया जाता है, या एक मिश्री जो होता था पहले बड़ा बड़ा उसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसको अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा रामानुजाचार्य बताइएगा किससे संबंधित है, सभी लोग फटाफट बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया है, 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब फटाफट दीजिएगा। चलिएगा नीतू जी का सही है, रिजानी जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, संगीता यादव जी का सही है, जया प्रभा का सही है, नवीन जी का सही है,
चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। अरुण जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मधु जी का सही है, रेखा जी का सही है, बंटी जी का सही आंसर आया है, उदय जी का सही है, अमर राठौर जी का सही है, पिंटू जी का सही है, राकेश जी का सही है। चलिएगा, रिया जी का सही आंसर है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी रामानुजा जो चार्ज से जो संबंधित है किसी से, तो विशिष्टाद्वैत से, ध्यान रखिएगा, विशिष्टाद्वैत आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर अद्वैतवाद का अगर पूछा जाएगा तो शंकराचार्य होंगे अद्वैतवाद, उसके बाद वर्करी संप्रदाय का अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि तू कर रहा है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनिए, बताइएगा कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है। 46 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा, सत्य कथन को चुनिएगा, बताइएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, चलिए, रितानली जी का सही है, नवलेह जी का भी सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, ज्योति जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, बंटी जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रेखा जी का सही है, बन्ना जी का सही है, नवीन जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बीना भारती जी का सही है, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, विकास जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन अगर पढ़ते तो इसमें दो ऑप्शन सही था, एक ऑप्शन तो ए सही था, ध्यान दीजिएगा। यानी जो वित्त आयोग होता है वो क्या, तो संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो वित्त आयोग है क्या है, तो संवैधानिक निकाय है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिएगा, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन ही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। चलिएगा, रितानी जी आप अपना जवाब दीजिएगा, चलिए छोड़िए। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है। चलिएगा, सभी का अपना अपना फैक्ट है। चलिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइएगा। चलिएगा, स्वाति जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, प्रवीण जी का सही है, उदय सिंह जी का सही है। चलिएगा, शुभम जी का सही है, राकेश जी का सही है, और बताइएगा, स्वीटी जी का सही है, स्वाति जी का सही है आंसर, विकास जी का सही है, रिया जी का सही है, रेखा जी का सही है। चलिए, विकास जी का सही है आंसर, वंदना जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, बंटी जी का सही है, नवलेश जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रावधा जिसको क्या कहा जाता है, तो न्यू मून डे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसको, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, अमावस्या को होता है, ध्यान रखिएगा। अमावस्या ऐसे आप लोग हिंदी में याद रखिएगा कि कब होता है, अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो क्या होता है, पूर्णिमा को होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जो सूर्य ग्रहण होता है तो यानी समा जलाइएगा तब रात में, यानी समा SMA, यानी ए सूर्य ग्रहण होगा, यानी सूर्य और अर्थ, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाएगा, चंद्रमा होगा, यानी मून होगा, तब होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी SMA, यानी समा जलाइएगा तब शाम में चंद्र ग्रहण होगा, यानी शाम में चंद्र ग्रहण के लिए ट्रिक्स बताते हैं, शाम यानी सन और मून के बीच में अर्थ आता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ सूर्य ग्रहण है तो सन और अर्थ, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होगा, चंद्रमा आएगा, तब क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अमावस्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल है, बताइएगा कि क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइएगा। चलिएगा, चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा आप लोग सभी लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, नवीन जी का सही है, रितानी जी का सही है, और बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जयप्रभा का सही है, ज्योति जी का सही है, अरुण जी का सही है, नवलेश जी का सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिएगा, स्वाति प्रियदर्शी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, बंटी जी का सही है। चलिए, तो सभी का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। एस्टेरॉयड, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एस्टेरॉयड है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, यानी इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल की जो अतिरिक्त होता है, अतिरिक्तता से क्या होता है, तो मानव में हृदय वाहिका रोग होता है, यानी हृदय में हृदय रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल के अधिकता से। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो एस्टेरॉयड है, जो क्या होता है, तो यानी कीटनाशक जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की जो व्हील होता है पारे में तैरता हुआ पारे में तैरता है लेकिन पानी में क्या हो जाता है तो डूब जाता है, बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, दो क्वेश्चन और शेष रह गया तो सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। चलिएगा स्वाति प्रियदर्शी जी का करेक्ट आंसर आया, बंटी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, अमन राठौर जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, संगीता जी का सही है, शिवानी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, चलिएगा वंदना जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी लोहे का जो घनत्व होता है पानी से क्या होता है अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है कम होता है, अल्प घनत्व के कारण ही क्या होता है तो तैरता हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पानी में जब बर्फ को डालते हैं तो तैरने लगता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अल्प घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है उससे जो बर्फ का घनत्व क्या होता है तो कम होता है, इससे इसके वजह से तैरने लगता है, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बादल जो होता है वायुमंडल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है तो यह भी अल्प घनत्व के कारण ही होता है, अल्प घनत्व के कारण जो होता है बादल जो होता है वायुमंडल में क्या होता है तो तैरते हुए प्रतीत होता है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलत्व है, बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा मूलत्व है, बताइएगा मूल तत्व बताइएगा, सॉरी मूल तत्व बताइएगा, कौन सा तत्व है बताइएगा। चलिएगा रितानली जी का सही आंसर है, और बताइएगा। चलिएगा इसमें तत्व की बात किया जा रहा है, चलिएगा कौन सा मूल्य तत्व है, चलिएगा तब तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिएगा उदय जी का सही है, संगीता जी का सही है, वंदना जी का सही है, कुंदन गिरी जी का सही है, रेखा जी का सही है, चलिएगा वंदना जी का सही है, सहजानंद जी का सही है, बंटी जी का भी सही था, चलिएगा नीतू जी का सही है, चलिएगा तो ऑप्शन बी जितने लगाए थे सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। हीरा क्या है तो तत्व है, आप लोग ऑप्शन को चेंज नहीं कीजिए, हमसे आंसर देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या करा तो मूल तत्व है, निम्नलिखित में से तत्व यौगिक और मिश्रण को बताया थे कि तत्व ऐसा होता है जिसको 1000 भी तोड़ा जाए तो भी क्या हो जाएगा वही निकल करके आया, तो उसमें क्या हो जाएगा तत्व होता है, तत्व क्या है तो हीरा है। बाकी ये सब जितना भी है जो तत्व नहीं है तो ध्यान रखिएगा तत्व किसको कहते हैं, तो तत्व जिसको कितना बार भी तोड़ा जाए तब वो क्या हो जाएगा तो हीरा होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक सोना भी है, सोना और हीरा ये सब क्या है तो तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। लिएगा तो आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन हो गया, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर का अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के करंट अफेयर का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे हम लोग 11 बजे से, और सभी लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा सभी लोगों को चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।